जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है उसमें आपको बता दें, रिटायर्ड जज को मिलती है 19 से 20 हजार की पेंशन। सीजीआई चंद्रचूड़ ने पूछा, इतने में कैसे होगा गुजारा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायाधीशों के हालात पर सवाल उठाए हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जिला अदालतों के जज को रिटायरमेंट के बाद 20 हजार की पेंशन मिलती है, इतने में वो गुजारा कैसे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार से कहा कि वो अब इस समस्या का समाधान खोजे। साथ ही देश के अटॉर्नी जनरल से कहा गया है कि वो भी इस मामले में मदद करने की कोशिश करें। एक मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, न्यायालय में काम करने वालों जजों का सेवाकाल लंबा होता है, लंबी सेवा के बाद वे आखिरकार सर्वाइव कैसे करेंगे। यह ऐसा ऑफिस है जहां आप पूरी तरह से अक्षम हो जाते हैं और 61-62 साल की उम्र में प्रैक्टिस शुरू करके हाई कोर्ट में वकालत नहीं शुरू कर सकते। इस मामले में सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि से अदालत ने अनुरोध किया कि रिटायर होने वाले इन अधिकारियों के लिए न्याय संगत समाधान लाने में मदद करें। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, हम इसका उचित समाधान चाहते हैं। आपको पता है कि जिला अदालतों के जज वास्तव में पीड़ित हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो निश्चित तौर पर इस मुद्दे पर गौर करेंगे। चंद्रचूड़ ने यह भी बताया कि हाईकोर्ट के जजों ने वेतन न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल जिला अदालतों से प्रमोशन के बाद इन जजों को नए GPF खाते नहीं दिए गए थे।